हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े सितारे ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपने बेटे से कहा कि बेटे, जिंदगी और मौत ये निजी मसले होते हैं, इसलिए जब मेरी मौत हो तो तुम केवल मेरे खास मित्र, खास दोस्त चेतन आनंद को बताना कि मेरी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद मेरे संस्कार के बाद बाकी सिनेमा जगत और दुनिया को ये बताना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत गहरे में सोचा इस बात को और इस मकाम पर यहाँ तक मैं पहुँचा कि अक्सर हम दुनिया में अपनों को तलाशते हैं, लेकिन शायद इस अभिनेता ने, जो कि एक बहुत बड़े कद का अभिनेता था, उसने ये जान लिया था कि दुनिया में सभी लोग अपने नहीं होते, बहुत कम। ये मंथन होता है जिसमें से कुछ एक आत्माएं, कुछ एक शख्स ही ऐसे होते हैं जो हमारे खास हो सकते हैं, इसीलिए उसने चेतन आनंद का नाम लिया होगा। तो आज इस सितारे का जन्मदिवस है, 1926 में इनका जन्म हुआ, आज ही के दिन 8 अक्टूबर को। तो कई बार किसी की जिंदगी में कोई व्यक्ति कोई संवाद बोल जाता है और उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। तो इस सितारे का जो असली नाम था वो था कुलभूषण पंडित। पाकिस्तान बलूचिस्तान में इनका जन्म हुआ और फिर ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पुलिस में भर्ती हुए। तो इनकी जो ड्यूटी थी वो मुंबई में थी, सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य करते थे, और इनके साथ एक बार रात की गश्त पे चलते हुए किसी सिपाही ने कहा कि सर, आपकी जो लुक है वो तो फिल्मी हीरो की तरह लगती है, अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर ना हो तो आप फिल्मी हीरो बन जाएं तो क्या बात है। बात इसको जच गई और इस आदमी ने ये मन बना लिया कि मैं नौकरी छोड़कर फिल्मी जगत में चला जाऊंगा। और खुशकिस्मती ये हुई कि उसी समय इनके पुलिस थाने में किसी डायरेक्टर की आमद होती है, बलदेव दुबे की, और उन्हें इनका बातचीत करने का लहजा और कद काठी पसंद आती है। तो ये आदमी जो है वो अपनी आने वाली फिल्म में इनको साइन कर लेते हैं, यानी कि शाही बाजार। शाही बाजार जो फिल्म है, ये अपनी नौकरी छोड़ते हैं, फिल्मों में एंट्री मारते हैं, शाही बाजार, उसके बाद रंगीली। लेकिन ये दोनों ही फिल्में जो थी वो सुपर फ्लॉप हुई। अब होता क्या है कि इनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है, एक लंबा दौर संघर्ष का चलता है, और उसके बाद ये एक्टर, ये अभिनेता जो है, उसको एक छोटा सा रोल मिलता है। अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात यह है कि कई बार कोई मैच होता है जिसमें कोई खिलाड़ी दमदार सेंचुरी बनाता है, लेकिन उसकी दमदार सेंचुरी के सामने किसी टेल अंडर का लगाया हुआ एक छक्का जो है वो ज्यादा भारी पड़ जाता है। जी हाँ, 1959 मदर इंडिया, ये फिल्म टोटली बेस्ड, महबूब खान की ये फिल्म जो थी वो टोटली बेस्ड थी नरगिस के ऊपर, लेकिन इसमें इस अभिनेता ने छोटा सा रोल किया और ये कमाल कर गया। बिल्कुल छोटा सा रोल, थोड़े से सीन थे जिनमें ये अभिनेता आता है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसका सामना एक ऐसे जबरदस्त अभिनेता से होता है कि जिसके दम पर हिंदी सिनेमा जगत उस समय कार्य कर रहा था, यानी कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी। हाँ, फिल्म पैगाम। अब इस पैगाम फिल्म में ये दोनों आमने सामने आते हैं और दुनिया सन रह जाती है जब ये कुलभूषण पंडित और उसके सामने दिलीप कुमार जो हैं उनका आमना सामना होता है। तो यहां से इसका दौर शुरू होता है और एक फिल्म आती है जिसका नाम था वक्त, और इस फिल्म ने इस आदमी का, कुलभूषण पंडित का, वक्त जो था वो बदल के रख दिया। और इनकी जो खासियत लोगों के सामने आई वो ये थी कि ये अभिनेता जो था, इसकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी, यानी कि संवाद बोलने का ढंग कमाल का, पहली बात। दूसरी बात, डायलॉग बोलते हुए इनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो तो एक्सीलेंट थे। अब तीसरी बात इसमें एक और ऐड होती है, दैट वाज बॉडी लैंग्वेज। तो ये तीनों चीजों का मिश्रण करके जब ये अभिनेता सबके सामने आता तो हाल में तालियां ही तालियां गूंज उठती। चिनाई सेठ, जिन लोगों के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। या फिर मुझे याद आ रहा है सौदागर फिल्म का वो सीन, क्योंकि पैगाम के बाद ये कुलभूषण पंडित, जिन्हें हम राजकुमार के नाम से जानते हैं, ये सौदागर में आमने सामने होते हैं, और यहाँ भी एक डायलॉग जो है वो प्रसिद्ध हो गया था कि राजेश्वर, दुनिया जानती है राजेश्वर सिंह,
जब दोस्ती करता है तो अफसाने बनते हैं और जब दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। तो आज इनका जन्मदिवस है यानी कि राजकुमार जी का, तो इनके बारे में जितनी सी बातचीत मैंने आपके साथ साझा की है उसमें कुछ एक बातें ऐसी हैं कि जो हमें सीखनी चाहिए। पहली बात यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग अपने होते हैं, विशेष होते हैं, इसलिए पंजाबी में एक बात आती है, दिल वाला दुखड़ा नहीं सब नू सुनाई दा, अपनिया सोचा विच अपे डूब जाई दा। पहली बात यह कि किसी के साथ अपने जीवन की सभी बातें सांझी नहीं करनी चाहिए और मंथन करना चाहिए कि हमारा अपना कौन है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें डूब कर कार्य करें, अच्छी तरह से कार्य करें। उस चाहे छोटा सा रोल भी है, जैसे मदर इंडिया में राजकुमार जी का छोटा सा रोल था, दो या तीन सीन्स में नजर आते हैं लेकिन कमाल कर जाते हैं। तो ये दूसरी बात है कि कोई भी कार्य करें वो एक्सीलेंट करें। और तीसरी बात ये है कि आपको कार्य करते हुए आपका जो कार्य है वो इतना आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो वाकई सोचे कि जिस व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ वो खास है। जैसे राजकुमार जी खास थे, आज उनका जन्मदिवस है। 70 वर्ष की उम्र में 1996 में इनकी डेथ हुई थी। तो आज की ये छोटी सी वीडियो जो है उनके जीवन के बारे में मैंने आपसे साझी की है, आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।